शाहजहांपुर में पत्रकार जोगेंद्र का परिवार अब धरने पर बैठ गया है। जोगेंद्र की पत्नी, बेटे, बेटी और बहन सभी धरने पर बैठे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर ये परिवार बैठ गया है। आपको बता दें कि 302 के आरोपी मंत्री राममूर्ति को बर्खास्त करने की मांग परिवार कर रहा है। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी परिवार की है। हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की भी मांग परिवार कर रहा है। आपको बता दें कि मंत्री राममूर्ति पर पत्रकार जोगेंद्र की हत्या का आरोप है, लेकिन अभी तक आरोपी मंत्री राममूर्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अब परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। और धरना तब तक चलेगा तब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है। मेरी मांग यही है कि मंत्री जी को पहले मंत्री पद से हटाया जाए, उसके बाद की गिरफ्तारी हो, जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द, और सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं हम। उस पर बिल्कुल भी संतोष नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई तो हम संतुष्ट कहाँ से होंगे, जब कार्रवाई हुई तभी तो संतुष्ट होंगे। अनिश्चितकालीन जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। उधर पत्रकार जोगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में आरोपी मंत्री राममूर्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभी तक आरोपी मंत्री राममूर्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभी तक ना तो मंत्री को बर्खास्त किया गया और ना ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने से क्यों कतरा रही है? मंत्री राममूर्ति पर पत्रकार जोगेंद्र की हत्या का आरोप है और पत्रकार की हत्या के बाद से ही राममूर्ति नजर भी नहीं आ रहे हैं। राममूर्ति आखिर कहाँ है उसकी जानकारी भी पुलिस के पास नहीं है। पत्रकार जोगेंद्र के परिजन लगातार मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।